इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। दिस बहुत ही अहम इंस्ट्रूमेंट है, आई के लिहाज से स्क्विंट सर्जरी का नाम सुना होगा, टेढ़ा अपन जिसे कहते हैं स्क्विंट सर्जरी। इसमें इसका बहुत अहम रोल है इस इंस्ट्रूमेंट का। फोरो लगाते हैं, फोरो भी और सिक्सो भी, वाइकल सिक्सो। जब टीयर रिपेयर आ जाए तो हम सिक्सो इससे लगाते हैं। सिक्सो और सिक्सो और कौन सा लगाते हैं? फोरो। आयरस को उसकी प्लेस पे सेट करने के लिए। ठीक, आयरस डिपोजिटर। ठीक है, क्या करते हैं? हम डिपोजिट करते हैं, प्रेस करते हैं, अपनी जगह पे लाते हैं। ठीक है, स्क्विंट हुक। स्क्विंट हुक, स्विंग जो स्क्विंट सर्जरी मैंने बताई थी, ठीक है, आई का जो मसल होता है उसे होल्ड करने के लिए। और ये आयरस वाइकल के लिए एब्जॉर्ब है। ठीक है, उसे हम रिपेयर करते हैं। अब ये नीडल होल्डर एज कम्पेयर टू दिस नीडल होल्डर, ठीक, वो फर्क है इनमें। इसे हम सिक्सो लगाएंगे और इसे फोरो लगाएंगे। वजह क्या कि ये बैंड ख़राब हो जाते हैं, इनकी टिपें ख़राब हो जाती हैं। एक टैनो है, अगर हम उसे फोरो लगाएंगे इसकी टिप ख़राब हो जाएगी ना। ये और एक कैटरेक्ट में जो होता है नीडल होल्डर, वो ओनली ऑन टैनो के लिए। स्टिच कटिंग होती है, ये सर्जिकल होती है। सम टाइम स्टिच काट लें या कोई मतलब शीट भी बनी तो डिस्पोजेबल शीट बना लें एज हेल्पिंग। स्क्विंट का मसल है, वो भी आप काट सकते हैं। जो चीज जितनी आपने काटी है उसी प्रेशर रिलीज करेगा जो बाकी से, उसमें तो आप एक्स्ट्रा लगाएंगे मसल काटने के लिए। ठीक है, ये स्पॉन्ज होल्डर पेंट वगैरह के लिए। ये भी बड़ी कुछ है, नीडल होल्डर का साइज भी आप लोग देख रहे हैं, छोटा नॉर्मल। ये टॉवल क्लिप है, नाइफ होल्डर, स्केलपल, मॉडर्न नेम है स्केलपल। वो भी पी हैंडल, ये नाइफ होल्डर, ये छोड़े सारे जो नेट पे चल रहा है, बुक्स पे जो आ रहा है स्केलपल, पेन और नाइफ। ओके, स्केलपल। उसमें कह रहा हूँ प्रोबिंग सिरिंजिंग, PS के नाम से लिखा होता लिस्ट पे, कभी आप लिस्ट पढ़ेंगे ना आई की, उन्होंने शॉर्ट नेम लिखा था PS। ड्रेनेज सिस्टम खराब होता है ना, मतलब वो कैंथस से करते हैं। किससे? कैंथस से। हाँ, कैंथस से ही होता है। अच्छा, तुम तो बयान मैंने पढ़ी, जो पढ़ी आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसे कहते हैं पंक्टम डायलेटर। पंक्टम डायलेटर, ठीक है, ये प्रोब्स हैं, ये पंक्टम, PS बताया था ना, पंक डायलेट करके आगे हमने प्रोब भी डाल, आगे आ जाते क्लेजियन। क्लेजियन जो नीचे दाना से नहीं होता, दांत के डिपेंड क्लैंप करने के लिए साइज दांत यहां से टाइट कर देते हैं और वो यहां से थोड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? आगे चले जाओ, नाम से कहते हैं क्यूरेट। मसल्स होते हैं आई के, मसल्स इसमें टाई करने के लिए यूज करते हैं आई के। पता था क्या ट्रैक क्या होता है? चलो आगे चलो, एक मिनट। ये आई स्पेक्ट्रम, आई स्पेक्ट्रम ऊंचा बोल, आई स्पेक्ट्रम, आई स्पेक्ट्रम, आई स्पेक्ट्रम। इसके बाद पहला स्टेप ये है, ये आई को ओपन करने के लिए। कौन सी सीजन? वेना सीजन। पहले कॉर्नर सीजन में आएगी। वेना किस में होती है? ये ऑफसाइड को काटने के लिए, ऑफसाइड को काटने के लिए, नहीं तो कटिंग जो टैनो ना बेसिकली उसे काटने के लिए होती है। टैनो स्विचर का नाम है नाइलॉन का। ठीक है,
और इसे ओंग सीजर हम कहते हैं। ठीक, ये कौन सी सीजर है? ओंग सीजर। ओंग सीजर ये डाइसेक्टिंग के ओंग सीजर डाइसेक्टिंग सीजर डाइसेक्टिंग ओंग सीजर फॉर ऑपरेशन आई यूजिंग फॉर डाइसेक्ट मसल्स डाइसेक्ट मसल्स को डाइसेक्ट करने के लिए इधर इधर ले जाना डाइसेक्ट काटने के लिए ओंग सीजर फिर सीजर ही है सारी ये टेडी उसको तो सही ना सीजर ही है सारी उनका फंक्शन अलग अलग है ये कौन सी नीडल होल्डर नीडल होल्डर कैटरेक्ट लिख लें जो सेटअप पढ़ रहे हैं कैटरेक्ट नीडल होल्डर फाइन है से हम टैनो यूज करते हैं टैनो लगाएंगे इसे कहते हैं सुचर टायर इसके दांत नहीं होते ये स्टिच को होल्ड करने के लिए या टाई करने के लिए स्टिच को यूज़ करते हैं सुचर टायर टायर मीन बांधना टाई करना ठीक सीखते हैं कॉर्नियल फोर्स थोड़ा सा डिफरेंस है माइनर सा इसमें इसके ये डायलर है ऐसे कहते हैं लेंस डायलर ठीक है ओंग सीजर ये नीडल होल्डर है ये नीडल होल्डर ये जब क्लिप फोर्स क्लिपरी फोर्स है फॉर डाइसेक्टिंग डाइसेक्टिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन कैटरेक्ट बिना सीजर।